तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जान लेते हैं कि व्यूज़ हमारे चैनल पर, हमारे वीडियोस पर क्यों नहीं आते और किस तरीके से हमारे चैनल पर व्यूज़ आएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही नए नए टेक्नोलॉजी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूज़र आईडी है qrpn.tanvir, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट से आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको YT स्टूडियो एप्लीकेशन में ले जाकर दिखाता हूँ। ठीक है, मैं अपना YT स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। एंड YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि आपको चेक करना है कि आपके किस वीडियो पर ज़्यादातर व्यूज़ आते हैं, मतलब किस तरह के वीडियोज़ पर व्यूज़ आते हैं। तो उस तरह का वीडियो आपको जो है अपने चैनल पर अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, वो चेक करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, व्यू मोर का ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ व्यू मोर पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना, क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपके सामने इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर रियल टाइम व्यूज़ टॉप वीडियो, मतलब कि रिसेंटली वीडियोस पर कौन से रिसेंटली वीडियोस पर व्यूज़ आए हैं एंड टॉप वीडियो कौन सा है, उसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। एक बार यहाँ पर कहीं भी आप एक बार क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना, यही मेन चीज़ है। ठीक है, यही आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये जो 48 पिछले 48 घंटे में किस वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, वही यहाँ पर सब कुछ दिखा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, एक बार क्लिक किया, और यहाँ पर पिछले 60 मिनट का देखेंगे, यानी कि पिछले एक घंटे में किस वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे देखिए पिछले 60 मिनट में, यानी कि पिछले एक घंटे में जो हमारे वीडियोस पर व्यूज़ आई हैं ज़्यादातर, यहाँ पर ये वाली वीडियोस पर, ठीक है, 124 व्यूज़ आई हैं, और इस पर 75, और इसी तरीके से आप सारे को देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड वीडियो, यानी कि इस तरह का वीडियो जो है आपको अपने चैनल पर डालना चाहिए एंड बनाना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपके वीडियोज़ पर व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे एंड आपके ऑडियंस रिटेंशन भी ज़्यादा आएंगे। तो इसी तरीके से जो है आपके वीडियोस पर व्यूज़ आएंगे। ठीक है, आप इधर उधर की कोई सी वीडियो ये मत सोचिए, कोई अगर दूसरा वीडियो बना रहा है तो आप उसको देखकर वीडियो मत बनाइए, अपने ही चैनल में जाइए और अपने आप को देखिए, अपने वीडियोस को देखिए कि कौन से आपके वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ हैं, उस तरह के वीडियोस को बनाइए, क्योंकि उस तरह का वीडियोस ही आपके ऑडियंस को पसंद है और उसी तरह का वीडियो आपके ऑडियंस देखना पसंद करती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी से आप खुश होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं तनवीर से आपको फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय।